नमस्कार दोस्तों, एक कहानी सुनाती हूँ। मैं पंखुरी सिन्हा, जन सरोकार मंच टोंक के इस मंच पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद देवेंद्र जी को मुझे कहानी सुनाने का अवसर और निमंत्रण देने के लिए। कहानी का शीर्षक है हत्या की शिनाख का सपना। कोई नींद में बोल रहा था, नहीं ये रात के सन्नाटे में किसी के फोन पर झगड़ने की आवाज नहीं थी, ये एक बहकी हुई बेहोश आवाज थी। मैं अचानक डर गई। यह आवाज नशे में बहकी हुई नहीं थी, नींद में बेहोश थी, लस्त पस्त। मैं उसे पहचानती थी, वह घर में रहने वाली दूसरी हिंदुस्तानी लड़की थी। मैंने सोचा जाकर दस्तक दूं, लेकिन वह कोई आसान शख्सियत नहीं थी। बाकायदा साइंटिस्ट थी, कैंसर सेल पर रिसर्च कर रही थी। उसे भला क्या दुस्वप्न आ सकते थे। प्रलाप से ही सुनाई दे रही थी उसकी आवाज एक तरफा। नहीं वह फोन पर नहीं थी। मैंने कसकर अपने कमरे की सांकल कुंडी चढ़ाई और कंफर्टर ओढ़कर सो रही, जबकि इस घर के सारे दरवाजों की सारी कुंडियां खराब थी, कमजोर थी। दरवाजा एक झटके में खोला जा सकता था। मैंने करवट बदली और उस ईश्वर को याद किया जिससे मेरा जन्मजात परिचय था और जो शायद उस लड़की का और मेरा साझा ईश्वर था। अद्भुत चीज है आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, देश विदेश, अपना पराया, सरहद, रात और दिन। सुबह उठी तो कोई आवाज नहीं थी, सिवाय बजते हुए अलार्म क्लॉक के सब शांत था। थोड़ी सी धूप भी निकल आई थी, कई लोग घर से रवाना भी हो चुके थे। सब सामान्य था, मैं घर में बिल्कुल नई थी, उसकी आवाजों से नितांत अपरिचित। फिलहाल किसी परिचय का समय भी नहीं था, मुझे फौरन बिस्तर छोड़ना था, समय से निकलना था। अप्रैल का महीना था और अल्बर्टा कनाडा की सर्दी पिघलते पिघलते भी बर्फ की शक्ल में काफी कुछ फुटपाथों पर जमी हुई थी। मुझे बस स्टॉप पर बस के लिए हर रोज इंतजार करना पड़ता था। जी हाँ, तलाक में करार की हुई गाड़ी मुझे अब तक नहीं मिल सकी थी। अल्बर्टा की हवा बरछी सी तेज थी। बस स्टॉप के शीशे के बाहर बर्फ के बहुत सफेद टीलों के बीच एक खूबसूरत नहर थी, अब भी जमी हुई। मुझे कभी कभी बस का इंतजार करते में वह मिली थी, वह दूसरी हिंदुस्तानी लड़की। उसका पहला नाम वही था जिस नाम की मेरी प्रिय मित्र ने अभी अभी अमेरिका में आत्महत्या कर ली थी, रूपा। अजीब इत्तफाक है ना, मैं दोबारा लेट गई। आज छुट्टी कर लूं तो? पागल हो, आज तुम्हारी फेवरेट टीचर की क्लास है, उठो मीरा। तुम तो चैन से सोई भी हो। हाँ मैं सपने कम देखती हूँ, कभी कभार भयानक सपने नहीं के बराबर। बस अब उठ जाओ मीरा। ये स्वालाप है, ये सिंगल कोट में है और ये स्वालाप है। हम कभी कभी कहते हैं कम ऑन नाउ, गेट अप, उठ भी जाओ मीरा। लड़की का नाम मीरा है और दूसरे ही पैराग्राफ में दो से ज्यादा बार उसका नाम आ चुका है। और इसका मतलब मीराबाई से उतना नाता कुछ खास नहीं है और इसको किसी तरह से भी बृहत्तर उससे उलझाना नहीं है। मुझे उलझाव शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। फिर रूपम से मेरी मुलाकात दो दिन बाद किचन में हुई। हमारा चीनी लैंडलॉर्ड या हाउस मैनेजर कह लें भी वहां उपस्थित था, लेकिन मेरे आते ही ऐसे चल पड़ा जैसे हम दोनों को बातें करने का एकांत दे रहा हो। फिर मैं भी ज्यादा देर नहीं रुकी
अल्ली टल्ली कर गिलास भर पानी पी किचन से निकल आई। रूपम अपनी बड़ी सी हांडी में शायद चिकन और चावल पका रही थी। हम सब की बड़ी बड़ी हांडियां थीं और पकाने का भी अलग अलग समय हम ढूंढ लेते थे। रूपम खाना पकाते हुए हमेशा अपने बड़े से एंड्रॉयड फोन पर एक फिल्म देख रही होती थी। इस तरह किचन में सबका समय बंटा था, सिवाय तब के जब दाम सूखी अपने चीनी हर्ब्स उबालती थी, पूरा घर उस गंध में सराबोर हो जाता था। वो कुछ औषधि जैसी जड़ी बूटियां थी जिनके शायद इस घर को जरूरत थी। ये दुस्वप्न या नींद में बोलने वाला हादसा कुछ एक रात और हुआ। क्या वह नाटक कर रही है? क्या वह मुझे डरा रही है? बाकी सब सो चुके, मैं देर रात पढ़ रही हूँ। नहीं, यह आवाज फोन पर बातें करने की नहीं, कहीं भी विराम नहीं, यह निश्चित नींद में बोल रही है। मतलब अभी तक उसे लगता ही है और लगने से वो अनकंफर्टेबल होती है। वही शब्द है, मतलब डरना हम इसको एग्जैक्टली ना कहें। आजकल ये दोनों शब्द बहुत वोग में हैं। लेकिन इतनी देर, लेकिन मैंने नहीं पूछा। फिर एक दिन अचानक किचन में ही उसने मुझे बताया, मेरे कभी बिना किसी उत्सुकता जताए, उसके गले में ये जो निशान है ना, एक बार लैब में एक्सीडेंट हो गया था, आग लग गई थी और एकदम से उसके दुपट्टे में लगी इतनी तेजी से कि उसका दुपट्टा जल गया, पर ज्यादा कुछ दिखता नहीं। मैंने कहा और मुझे लगता है कुछ हड़बड़ाहट में ही किचन से फिर दौड़ी। ये मैं बार बार भाग क्यों जाती हूँ उसकी लंबी सरीखी कहानी की बातों से। मुझे लगता है कि लड़कियां मुझे पहले अपनी कहानियां सुनाती हैं, बाद में मेरी कहानी पूछ पूछ कर परेशान करती हैं, लिखने भी लगती हैं भाग्य निर्माता की तरह। वो तो ठीक, लेकिन मैं इतनी घबराई और उत्तेजित सी क्यों हूँ? जैसे अभी अभी किसी ने मेरी चलाती हुई गाड़ी को ठोक दिया हो। पढ़ने में भी दिल नहीं लगा, नींद भी नहीं आ रही, बाहर टहलने जाने का सवाल नहीं है। मैं बत्ती बुझाकर लेट जाती हूँ, पर वही सवाल कभी ट्यूब लाइट, कभी बल्ब, कभी सड़क वेपर लाइट सा परेशान कर रहा है। क्या ये संभव है कि रूपम ने आत्महत्या नहीं की हो, उसे मारा गया हो? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं तो उनमें से किसी को जानती तक नहीं। पिछली बार जब उससे बात हुई थी, चहक रही थी, वाह कितना हंसे थे हम उसकी इस बात पर, द ऑफिस हैज बिकम लार्जर देन लाइफ। क्या ऐसा ही होता है? क्या ऐसा ही होता है रूप? लंबी गोरी चिट्टी बहुत सुंदर रूप, हम में सबसे काबिल, सबसे होशियार, क्या कुछ नहीं कर चुकी थी, यहाँ पढ़ाना, वहाँ लिखना, ये फैशन वो अदा। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, हम उसे गा गा कर चढ़ाते। कॉलेज के पुराने दिन किसी खूबसूरत चलचित्र की तरह मेरी आंखों के आगे से गुजरने लगे। मुमकिन है इन सब गीली सूखी बातों की एक धार भी बह गई हो। सब चेहरे आ गए आंखों के आगे, अभी कुछ महीने ही हुए हैं इस दुर्घटना को। रूप अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या तफसील से याद भी नहीं किया जा सकता बीते समय को? अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि किसी का हाथ मेरे ऊपर लहराया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, अंधेरे का एक खटाटोप हुआ, जैसे तकिया उठाकर किसी ने रख दिया मेरे सर पर और कसकर दबाने लगा। मैं घिघियाती भी तो कैसे? नहीं, ये किसी का हाथ था मेरी गर्दन पर, पूरी ताकत से उसे दबाता हुआ।
मैंने अपना सारा जोर लगाया और एक बारगी उछल गई। कमरे के घबराए हुए अंधकार और ब्लाइंड की सुराख से आती रोशनी में मैंने देखा कोई नहीं था, बस सपना था। मैं सपना देख रही थी, एक दुस्वप्न की कोई मेरी हत्या कर रहा है। क्यों? हवा के किसी गुंफित जाल के भीतर पसीने से सराबोर मैं जाने समय के किस दरवाजे पर खड़ी थी। एक ऐसी चौखट जहां से बीता समय किसी जालीदार मेहराब से छन कर आने वाले समय में प्रवाहित हो रहा। इतना डर लग रहा था कि दरवाजा खोलकर न बाथरूम जाना संभव था न एक गिलास पानी पीना। होता है ना ऐसा, आप अचानक से एक ऐसी आवाज से घिर जाए जो आपको थोड़ा हल्का सा डरा सा दे, और एक रात जब आप सो न पा रहे हो, जल्दी लेट गए हो, फिर कब पता नहीं नींद में चले गए और फिर ये सब हो जाए। ऐसा तो ये तो बहुत जाने अधेरे के किस गुरुत्वाकर्षण से बधी हुई किस हवा को लपेटे मैं लेट गई। मैंने ये सपना कैसे देख लिया? मैं तो कभी सपने नहीं देखती, और तिस पर इतना भयानक सपना। अमूमन मेरी नींद बिल्कुल निर्बाध होती है, खाली एक क्लास खत्म हो जाने के बाद शिक्षक द्वारा पूछ दिए गए स्लेट की तरह साफ, उस कागज की सफेदी लिए जो कविता ही क्यों कुछ भी लिखे जाने के लिए प्रस्तुत रहता है। कितनी जिम्मेदारी का काम है कागज पर कुछ भी लिखना। वकीलों नेताओं ही क्यों, इस देश के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरों द्वारा ही क्यों, हर किसी के द्वारा टेबल के नीचे पैसे लेते देते कितना कुछ फर्जी लिखा जा रहा है रोज। और मैं इतनी दूर चली आई हूँ अंग्रेजी के रोमांटिक काल के कवियों को पढ़ने, क्या पागलपन है। और उससे भी बड़ा पागलपन कि मैं अपने सुपरवाइजर से बहस कर रही हूँ किट्स पर शोध करना चाहती हूँ। वो चाहते हैं मैं येट्स पर पढ़ाई करूँ, येट्स को पढ़ूँ, येट्स पर शोध करूँ। जॉन कीट्स 25 की उम्र में मरने से पहले दुनिया की सबसे खूबसूरत कविताएं लिख गया, ये इससे भी ज्यादा सुंदर। हाँ, ये इससे भी ज्यादा सुंदर। एड्स को नोबेल सम्मान न दीर्घायु होने की वजह से मिला, न अपने अनेकों प्रेम संबंधों की वजह से। कलम का ही नहीं, दिल और दृष्टि का धनी आदमी था, लेकिन कीट्स पानी में आग। When I behold upon the night-starred face huge cloudy symbols of a high romance and think that I may never live to trace। मैं कीट्स को इसलिए नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि ट्यूबरक्यूलोसिस ने उसे मार डाला और मैं बच गई। लेकिन ये पढ़ाई तो तुम घर लौट कर भी कर सकती हो, घर से आने वाले हर फोन में यही बात। जैसे स्टडी परमिट रिन्यूअल में देर, घर की ये जिद और तेज, बुलाहट और ऊंची। मैं अपनी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा छोड़कर घर लौट जाऊं? क्या मुझे यहाँ दोबारा मारा जा रहा है? क्या पानी पर देर तक चलते रहने से मौत हो जा सकती है? ठोस जमीन की प्रतीक्षा हिचकोलों की अनिश्चितता में मैंने क्यों कहा मैं सपने नहीं देखती? सपने महत्वाकांक्षाओं से अलग होते हैं। दिन की तल्खी में, रात के अंधेरे में हम महत्वाकांक्षाओं को गोल मटोल शब्द दे देते हैं, मिठास दे देते हैं, सपना कह देते हैं। सपने ही हमारा वजूद बन जाते हैं, कुछ लोग उसके पीछे भटकते भी रह जाते हैं। लेकिन सचमुच मैंने क्यों कहा मैं सपने नहीं देखती? यानी क्या दुस्वप्न, बुरे सपने, डरावने सपने? लेकिन वह तो कोई बुरा सपना नहीं था, वह तो बेहद अच्छा सपना था, बिल्कुल दिन की रोशनी की तरह वास्तविक था।
ये अलग बात कि जो सपना देखा था हुआ उसका ठीक उल्टा, यानी सपने की उलट बासी हो गई। मुझे अब भी वह सपना कल देखे सपने की तरह याद है, उसकी आवाजें जेहन में बिल्कुल ताजी हैं, उनकी भी तुमने टॉप किया है। वो मेरी प्रिय टीचर थी डॉक्टर श्रेया सहगल, जबकि इतिहास केवल मेरा सब्सिडियरी विषय था, लेकिन डॉक्टर सहगल दोनों विभागों में पढ़ाती थी। अ हिस्टोरिकल लुक एट इंग्लिश लिटरेचर उनका पहला सेमिनार था जिसके लिए मैंने साइन किया था, लेकिन फिर बाद में मुगल इंडिया के क्लास में मैं उनकी दीवानी हो गई। कितनी पढ़ाई की थी मैंने उस सबसे के पेपर के लिए भी। मुझे याद है दूसरा सवाल मोहम्मद बिन तुगलक पर था, जिसे कहते हैं ना कलम तोड़ कर लिखना, वैसे लिखा था पर्चा मैंने, बाकी के पर्चे भी बढ़िया। परीक्षा फल का बेसब्री से इंतजार था, बिल्कुल जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन उसी सुबह का सपना है। और नतीजा देखा तो उन्हीं के पेपर में मेरे नंबर इतने कम थे कि रिपीट करना पड़ा। मैंने शहर छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने विषय छोड़ दिया, अब और क्या बचा था छोड़ने को। कुछ एक साल बाद की दूसरी पढ़ाई, दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरी नौकरी के बाद मैंने प्रेमी के साथ यह देश छोड़ दिया। मैं बिल्कुल बेगानी, पराई, खुद से अजनबी। मैं फूलों पत्तों में भटकती हुई सी कि अब क्या था दफ्तरों की कुर्सियों में। बाहर डैफोडिल्स थे, ट्यूलिप्स थे, डेजी हर खड्डे में खिली हुई थी, छोटी छोटी नहरों पर लकड़ी के पुलों से जुड़ी हुई वर्तुलाकार सरपीले मोड़ों वाली राहें थीं, जिनसे होकर कभी शैली कभी कीट्स, लेकिन सबसे ज्यादा बायरन की अगस्ता शीर्षक कविता मुझ तक पहुंचने लगी। इन राहों के बगल में पेड़ों के विशाल झुरमुट थे, जिन पर कभी फॉल के रंग थे, कभी बर्फ, कभी प्रस्फुटन था, और जरा देर की ग्रीष्म की हवाओं में पक्षियों का बसेरा था। कितनी ठंड थी, कितनी ठंडी और कितनी लंबी, घरों के भीतर हीटिंग थी, यूं ही नहीं पिघल जाती थी कीट्स की कविताओं की बर्फ। मुझे बीए में सेकेंड डिवीजन आया था, लेकिन कितना कुछ बाकी था भी। अभी तो सब कुछ बाकी ही था, जीवन, प्रेम, सोहर, बधाई के गीत, जाने क्या क्या और कविताएं। ऑफ द वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन एंड थिंक टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस टू सिंक। कौन जानता था यूनिवर्सिटी का मतलब सिर्फ राजनीति होगा। अब ये इस बार का दाखिला तो दोबारे का दाखिला है। जी बचा हुआ था बहुत कुछ, उन्होंने किया आघात और ले गए। पुरुष कितनी जल्दी नियोत लेते हैं लोगों को अपने घरों के भीतर, मैं उन्हें निकाल नहीं पाई। उल्टे फंस गए गोरे के अवैध प्रेम में, फंसा ली गई। इस फंसाने में हिंदुस्तानी मित्रों का क्या योगदान रहा मत पूछिए। क्या करेंगे जान कर नहीं, वह एक अलग किस्सा है, एक लंबी कहानी। जागरूकता इस अर्थ में ही बड़ी नहीं कि आगे ऐसे किस्से दोहराए न जाएं, बल्कि इस अर्थ में भी कि गुनहगार निर्दोष बने घूम रहे हैं। जबकि मैं यह मानती हूँ कि कानून न्याय करे, इसके लिए लोगों को और मित्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं, लेकिन उतरना पड़ता है। मुझे आशा है न्याय की, हर किसी के लिए और मीरा के लिए जिस न्याय की वो बात कर रही है। आशा है कि आप साथ हैं। एक लंबी अवधि गुजर गई बड़ी जल्दी में। वर्णन वह अभी जहाँ रह रही है, उसकी एक रूममेट है और वो पूरा ये आया, और फिर उसका वो अतीत जल्दी में गुजर गया। जैसे गुजर जाती हैं कहानियाँ कि लड़कियाँ एक घर में हैं,
उनकी एक माँ है जो सौतेली है और दुर्व्यवहार कर रही है, या पिता है जो ऐसे हैं वैसे हैं, या मतलब कोई भी है उदाहरण के तौर पे, बात जल्दी आ जाती है। और फिर वो तो बैकग्राउंड ही है ना, बाकी तो उस तरह से ये बात आ गई कि लड़की ने प्रेमी के साथ देश छोड़ा था और वो प्रेम असफल रहा किन कारणों से। मुझे सीधी कहानी पढ़नी चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये कहानी का तकाजा है। जागरूकता इस अर्थ में ही बड़ी नहीं कि आगे ऐसे किस्से दोहराए न जाएं, बल्कि इस अर्थ में भी कि गुनहगार निर्दोष बने घूम रहे हैं। जबकि मैं यह मानती हूं कि कानून न्याय करे, इसके लिए लोगों को और मित्रों को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। कानून को अपना काम खुद ब खुद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। उसका दरवाजा बहुत जोर जोर से पीटना होता है। क्यों? जबकि कानून कहता है पुरुष दोषी है अवैध प्रेम में स्त्री को फंसाने का, सजा मुझे दी गई। अक्सर ऐसा ही होता है, स्त्री भुक्त भोगी होती है। हजार किस्से हैं यहाँ हमारे आसपास अवैध प्रेम के। ये शब्द ही वो है, लेकिन चूंकि ये कहानी का हिस्सा इस तरह से है कि अगर ऐसा हो जाए तो जो स्त्री है उसको सुनना बहुत पड़ता है। एक दिन में तो कोई मामला नहीं सलटता, पर ऐसे आनंद फानन में मेरे तलाक नामे पर दस्तखत कर दी गई, जो कभी स्त्री के अधिकारों को सुलझाने के लिए काफी नहीं होता। खैर, सरहद पार करने के बाद ही आया ठप्पा लगा निर्णय। मुझे मालूम होता कि लौट नहीं सकूंगी तो दस्तखत ही नहीं करती तलाक के कागज पर। तो विदेश में खड़ी हुई एक नई नवेली सरहद लगभग नागरिकता हासिल करने के बाद बुरी तरह मात खाकर, अब वो बता रही है ना कि वो जहाँ रह रही है, वो जो वहाँ रह रही है उसका अतीत क्या है। जहाँ कहीं रहते हैं वो, हम केवल वहाँ रहते नहीं हैं, हमारा तो पूरा अतीत इससे पहले हम कहाँ रहते थे वो तो होता ही है ना हमारे साथ। इसलिए ये पात्र बता रही है कि वो कहाँ थी, कहाँ से आई है। कहानी का जो लोकेशन है, जो लोकेल है, वो यही का है जहाँ ये घट रही है फिलहाल, लेकिन वो बता रही है और कहानी तो वहाँ भी जाएगी। तो कहानियाँ तो ये करती हैं, इसको हम फ्लैशबैक भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, लेकिन ये फ्लैशबैक में ये केवल उसकी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि और फ्लैशबैक का अंतर हम इस पे बात कर सकते हैं। तो विदेश में खड़ी हुई एक नई नवेली सरहद लगभग नागरिकता हासिल कर लेने के बाद बुरी तरह मात खाकर एक बार जेल से देश भिजाए जाकर चूड़ी की तरह संगीत के सारे तार काट कर तोड़ कर भेजी गई पढ़ाई करने। दिन दहाड़े दुस्वप्न की सीमा आंख खोले भूकंप से भी भयानक सपना, फिर भी मुझे कोई दुःस्वप्न नहीं आया, फिर भी मुझे कोई दुःस्वप्न नहीं आया। लेकिन रूपम का यूं चल देना, ये दुबारे की फूलों से लदी जमीन, आजकल टहलने जाती हूं तो एक सफेद बालों वाला उम्रदर गोरा आदमी मुझसे कुछ दूरी पर अपनी पत्नी प्रेमिका का हाथ थामे चल रहा होता है। अब रोज यही ड्रामे सा नजारा होता है पहाड़ों की गोद में। अद्भुत खूबसूरत जगह है अल्बर्टा, लेकिन गजब की राजनैतिक भी। एक स्टडी परमिट ही तो रिन्यू करना है, कितनी देर कर रहे हैं। मैं घर वालों से कह कर थक गई हूँ। यहाँ किताबें बेहतर है कहीं रिलेटेड रीडिंग्स की भी। ठंड के बारे में तो डर से कुछ बोल ही नहीं पाती। मैंने घर बदल लिया है, हॉस्टल में आ गई हूँ। टनल्स से होती हुई क्लास तक पहुँच जाती हूँ। हॉस्टल में हर दूसरे दिन फायर ड्रिल होती है। मैं हर रोज क्लास से लौटते अपनी चिट्ठियों का बक्सा खोलती हूँ, पर वह नहीं आई तो नहीं आई। वो किस चिट्ठी का इंतजार कर रही है दोस्तों,
स्टडी परमिट रिन्यूअल की आई चिट्ठी का। वह नहीं आई तो नहीं आई, वह अंत तक इस तरह नहीं आई कि फिर आना भी बेकार रहा, इतने तरसे कि प्यास ही न रहे। मतलब अगर आप बहुत देर हो जाए तो फिर आपको शायद वो पानी का कतरा बचा ना पाए, है ना, फिर आपको शायद ड्रिप भी बचा ना पाए, वो वाला मामला होता है। वह अंत तक इस तरह नहीं आई कि फिर आना भी बेकार रहा। प्रायद्वीप की सीख यही रही कि बेहद संभल कर रहना था, ऐसे रहना था कि बंदूक की नोक पर छीन ली जाएगी। एक सेकेंड, मैं फोन से पढ़ रही हूँ और मैंने कुछ गलत छू भर दिया और पूरा पन्ना इधर से। ऐसे रहना था कि बंदूक की नोक पर छीन ली जाएगी बसी बसाई जिंदगी, लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर गोरों के इतने निमंत्रण के और हिंदुस्तानियों के साथ तो यह होता नहीं। हर शुक्रवार निमंत्रण, फिर किस्म किस्म के निमंत्रण, मेरा फुल टाइम काम लोगों को ना कहना क्यों को, तो लो इस बार भी हाँ कहा और फिर फंस गए। यह एक देशी जाल है, घर वालों के हल्ले के बीच शादी के एक प्रस्ताव के साथ लौटा ली गई हूँ देश, ठगी गई हूँ फिर से, मुझे मंजूर नहीं है कबूल और अब लौट नहीं सकती। मेरा वीजा सिंगल एंट्री था, आपने कहीं सुना है कि इतनी लंबी पढ़ाई का वीजा सिंगल एंट्री हो? जब से लौट कर आई हूं अमेरिका नामक उस महान देश में, 3 कत्ल दिन दहाड़े हो चुके हैं, एक बूढ़े से घर का रास्ता पूछते और 2 अभी अभी बिल्कुल घर के सामने, एक परिवार के सदस्य जैसे मित्र को मेरे वहां रहते ही रोड एक्सीडेंट में मार दिया गया था। कौन तब्दील कर रहा है सरहद को एक खूबसूरत स्वप्न से दुःस्वप्न में? कौन कर सकता है तहकीकात इसकी? शहर और राजधानियां बदलने के एक वहशी जुनून के बीच अपनी शिक्षिका की वही महीन आवाज सुनाई देती है, तुमने टॉप किया है। तो शुक्रिया दोस्तों ये कहानी सुनने के लिए, और अगर आपके सवाल हैं मुझे ज़रूर लेकर बताएं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो तो बताएं। ये एक मीरा नाम की लड़की की कथा है जो लौट आई है अब देश, कहानी के अंत तक आते आते, और अतीत उसका आता है उसकी उस जगह को भी समझाने के लिए और देश लौटने के बीच भी एक ट्रांजिशन की तरह, एक ट्रांजिटरी पुल की तरह। तो आप इस कहानी की भाषा, इसके शिल्प पर मुझसे अगर कोई बात करना चाहें या उस पर कुछ कहना चाहें मुझे बेहद खुशी होगी। और शुक्रिया सुनने के लिए।